आपके ऑफिस नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अरे बिल में इन द अकाउंट ऑफ कीर्ति देवी लिखा हुआ है, देखिए। मैंने देखा, लेकिन ये कीर्ति देवी कौन है? क्या कहा, कीर्ति देवी कौन है? अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको कहानी पता नहीं है। आप शक्ल से भोले भाले लगते हैं, इसलिए बता देता हूँ। अरे वो आपकी कंपनी की होने वाली मैडम है। क्या मैडम? हाँ, कीर्ति देवी हमारे इंस्टीट्यूट की डांस टीचर है। सोना है सोना, उसके और आपके बॉस राम मोहन जी के बीच में लपक झपक है। हाँ? लपक टपक? हाँ, लपक टपक। हाँ। मतलब? इसका मतलब नहीं जानते, दोनों में लव है। क्या मतलब? हमारे मालिक राम मोहन जी को कीर्ति जी से लव है? हाँ जी, और उन्हीं के हाथों से कीर्ति देवी हमारी कंपनी को 1,00,000 रुपए दिलवाने वाली है, और ये बात तो मैं अखबार में छपाने वाला हूँ। लगता है दोनों में बड़ा गहरा प्यार है। राम मोहन जी की मोहब्बत कीर्ति जी से मिल सकता हूँ क्या? ए, तुम लोग बाहर जाकर बाकी की तैयारी करो, जाओ यहाँ से। किस लिए? रेट ज्यादा लगे ये पूछना है? वो सब तो चलता ही है ना, इतनी बड़ी कंपनी में छोटा डिस्काउंट दो तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मना कर दिया। बाकी रेट सब बराबर ही होंगे, आप खुद ही देख लो, देख लो। और एक बात है, इन बिल को जल्दी पास करवाओगे तो मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। क्या? मुझे 5% कमीशन? ओके 7। और आधा बढ़ा लो। मैं कीर्ति देवी जी से बात करने के बाद बताऊंगा। 10%। वो हैं कहाँ? 10.5, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता मेरे बाप। ठीक है, लेकिन वो हैं कहाँ? मैडम ऊपर हॉल में है। हाथ छोड़ो। 10% कमीशन लेगा? मैं नहीं देने वाला, बात का माल है क्या? क्या रे मास्टर जी, ये बिल कलेक्टर मेरे हिसाब से उस दिन कार के नीचे गिरने पर 1,000 रुपए देने वाले राम मोहन जी लग रहे हैं। इस बिल कलेक्टर को राम मोहन जी बोल रहा है? ये ठंडा वापस लेके जा। फिर से एक बार करो। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तधी तन तधीन तधी तनाधीन तधी तन तधीन तधी तनाधीन। आप कौन? आज की क्लास खत्म है, आप लोग जाइए। गुड, बहुत अच्छा डांस किया, कीप इट अप। बस थोड़ा मोटापा कम कर लेना, बहुत अच्छा सिखाया आपने। वो तो ठीक है, पर आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपके टेलरिंग के बिल। ओहो, टेलर ने भेजा है? ये सब क्या है? आपको हर बार बताया जाता है, फिर भी इतना ढीला सिला आपने। प्रोग्राम में सबके सामने लूज हो गया तो? वहाँ सिलकर यहाँ आने तक कपड़ों का साइज बढ़ गया क्या, या आपने खींच दिया? देखिए इसका साइज। माँ जी, आपके कपड़े बड़े हो गए या उन्होंने ढीला सिला है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेलरिंग का आदमी ही नहीं हूँ। फिर आपने अपने ड्रामा कंपनी के बिल्स भिजवाए थे, वही राम मोहन इंटरप्राइज, वहीं से मैं आया हूँ। क्या कहा, आप राम मोहन इंटरप्राइजेस से आ रहे हो क्या? हाँ जी। अच्छा, पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा? वो किस लिए? क्या बताऊँ, प्रेस वालों को बुलाकर हमारा मालिक न्यूज देना चाहता है, वो आए दिन मेरी जान खाता है। आप जाके दरवाजा बंद करिए ना। इतना ही है ना? आप जाइए ना। तब ठीक है। अच्छा, आप वहाँ काम करते हो क्या? हाँ, बिल कलेक्टर। बिल कलेक्टर? हाँ जी, बिल कलेक्ट करने का काम करता हूँ। इन बिल्स को राम मोहन जी ने देखा है क्या? नहीं देखा, अभी तो मैं ही चेकिंग के लिए आया हूँ। मैं एक फालतू मुसीबत में पड़ गई हूँ जी, मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ और देखा भी नहीं है। अब नहीं देखा तो क्या, मिलेंगे तो देख लेना। नहीं जी, उन्हें देखे बिना इतनी मुसीबत में पड़ गई हूँ, देखूंगी तो क्या होगा। जाने अनजाने में झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनको ये बिल्स मत दिखाना, मैं आपको थोड़ा कमीशन दिलवा दूंगी। यहाँ भी कमीशन? लगता है अखबार वाले आ गए हैं, आप उन्हें किसी तरह यहाँ से भगा दीजिए प्लीज। ठीक है। नमस्ते। आप कौन? मैं अखबार का रिपोर्टर, मेरे अखबार का नाम सूरज और मेरा पूरा नाम किरण पार्वती किशोर है। कीर्ति जी का इंटरव्यू लेने? वो अभी बिजी हैं। अभी क्या बिजी हैं वो, एक बार उनका नाम अगर मेरे अखबार में आ गया तो वो और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगी। सुनिए मिस्टर उजाला। किरण जी? हाँ वही किरण जी, आपके नए सूरज पुराने सूरज में अपना नाम नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने मना किया है, आप जाइए यहाँ से। ये क्या बात है, सभी जवाब तुम ही दिए जा रहे हो, तुम हो कौन? राम मोहन। हाँ? प्रोपराइटर ऑफ राम मोहन इंटरप्राइजेस। गाड़ी से लिफ्ट लेकर यहाँ कार से उतरने के बाद सब गड़बड़ हो गई। कैसे लग रहे छोले? वाह, स्वाद बहुत बढ़िया है। ना भी खाओ लेकिन मन नहीं भरता। अब हमारी ड्रामा कंपनी को भेजे सारे बिल्स,
उनका क्या करोगे? क्या करना है अब आप ही बता दो। उन सारे बिल्स को राम मोहन जी के सामने बिल्कुल मत जाने देना प्लीज। ऐसा करके? कुछ नहीं, अपनी माँ से पूछ कर ये सोने की कंगन बेच कर उनका पैसा लौटा दूंगी। वो तो ठीक है, तुम्हें इससे बढ़िया आइडिया बताऊं मैं? हाँ बताइए, आप दिखने में भी बहुत शरीफ लगते हो, आपका आइडिया जरूर अच्छा होगा, बताइए। देखो हाँ? राम मोहन तो बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारी कंपनी ने तो उसके और तुम्हारे बीच लपक झपक को कंफर्म कर दिया है, कल अखबारों में भी आ जाएगा, अखबारों में जो छपे उसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते। इस दिल की चुल्लना मुझको ही चुल्लना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना, बजने लगा मन तकदीन पर दिन ताम, गाओ मेरे संग मगर घर निसा, डार्लिंग डा 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 डा। किरणों की लाली तेरे रूप से झुक जाती है फूलों की डाली, संग संग यूं ही चलो फकीरों को नीचे, जन्नत आके मिले कदमों के नीचे, हौले हौले बजे प्रेम की सरगम, फूल बिखेरने लगे प्यार से ओ हमदम, इस दिल की सुन लो ना मुझको ही चुन लो ना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना, बजने लगा मन तकरीन तक देता हूँ, गाओ मेरे संग दम दर घर सनिसा, डार्लिंग डा 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 डा। प्यार मैं करता हूँ जानू, तेरे रूप में मरता हूँ मैं इतना मैं मानू, कैसे बताऊँ कितना प्यार मैं करता हूँ जानू, तेरे रूप में मरता हूँ मैं इतना मैं मानू, बात समझ लो ना तुम पे है मरते, प्यार बहुत हम तो तुमसे है करते, तेरे बिना अब तो जीना ही हमको, जीवन अब अपना सौंप दिया तुमको, इस दिल की सुन लो ना मुझको ही चुन लो ना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना, बजने लगा मन तक दिन ता, गाओ मेरे संग दम दर घर संसार, डार्लिंग डा 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 डा, हे डार्लिंग da 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 da। द्वापर युग में मक्खन खाकर
हजार गोपियों में कुछ गोपियों को अपनी रास लीला से मन मुक्त करते हैं हमारे मुरलीधर, अपनी सुंदरता से किस तरह से मोहित करते हैं सबको। शाबाश मुरलीधर की मोह में है गोपिका, इस मुरलीधर की बंसी को ना रोकना।